ये है प्रेम मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर में शाम को तो लेजर लाइट लोगों का मन आकर्षित कर पद्मासन में बैठे हुए कृपालु जी महाराज आ गए हम लोग बाहर। वाह क्या भाई, तिरंगा पास में लगा हुआ है। राधे राधे। 1000 शिल्पकारों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया। पूज्य पाद महाराज कृपालु जी महाराज के द्वारा 2000। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज सब कुछ तैयारी हो गई, चल रहे हैं मथुरा में होली खेलने और चलेंगे मेरे साथ बहुत सारे लोग। बात तैयारी हो गई है, अब बैग मेरा पैक हो गया है, सब सामान रख लिया है। रात्रि के लगभग 10:10 ये रहा मेरा बैग तैयार। चलते हैं मथुरा में होली खेलने। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये देखो जूली बाहर है, तैयार हो गए हैं, मेरा हो गया है, भैया वहाँ इंतजार कर रहे हैं छोटी वाली ई रिक्शा से, है ना। ये देखिए सब लोग हमारा शिकायत कर रहे हैं, लेट हैं, कोई जब इंतजार कर रहे हैं भैया यहाँ। दोस्तों हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं तो हम लोग गुस्सा में थे, लेकिन अभी सब नॉर्मल हो गए हैं ना। अभी देखिए उनसे पूछते कि बहुत दिन हंस रहे हैं। तो दोस्तों भैया आ गए हैं, भैया ने हमारे पास फ़ोन किया जल्दी आओ। और पहले फ़ोन किया था? नहीं भाई 20 मिनट नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट अधिकतम हो गया। क्यों भैया सही कह रहे हैं 20 मिनट? ये हम देखा कौन जा रहा है, कंफर्म हो गया कि भैया ने 10 मिनट पहले फोन किया है और हम लोग सब आ गए चौराहे पे। अभी 2-3 लोग और हैं साथ में बैठते हैं। घर पे तो बैठ गए भाई, देखा जो भी सवारी थी, है ना। स्टेशन पर गाड़ी पूरी खाली हो गई, समय से आ गया ट्रेन स्टेशन पर। लेकिन अभी हम लोग को ट्रेन लगभग 11:25 पर आने वाली थी, लेकिन अभी 2 घंटे लेट है। भैया वहाँ दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, हरिओम वहाँ पे गया, चाचा वहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन कब आएगी। देखते हैं ट्रेन कब आएगी, तब तक इंतज़ार ही करना पड़ेगा, है ना। लगभग 12 बज गए हैं, हम लोगों की ट्रेन लगभग 1 घंटे लेट आ रही है। लगभग कितने बजे आएगी? 1 बजे आएगी। तब तक इंतज़ार करते हैं, भैया लोग घर गए हैं अभी घूमने। तब तो हम लोगों का ट्रेन आने का समय हो गया, लगभग 11:25 पर ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन अब 1:30 पर रात्रि के आने वाली है। अनाउंसमेंट आप सुनिए। एक पर आने वाली है, तो अब मेरी इंतजारी ख़त्म हुई, चलते हैं अब ट्रेन में। ट्रेन आ गई और बंद है दरवाजे, बाहर से देखते हैं इसी में है, खाली है, बैठने को मिल जाएगा। ये रही हमारी सीट, अब यहाँ बैठते हैं और सफर का आनंद लेते हैं, ना मिलते हैं सुबह। दोस्तों आ गए हम लोग अपने ट्रेन में। दरअसल लोगों को अलग अलग टिकट मिला हुआ था, अलग अलग डब्बे में बैठे थे, हम अलग बैठे थे, भैया लोग अलग बैठे थे। देखिए मोबाइल चला रहे हैं, आ गए इनके पास। सो फाइनली दोस्तों हम लोग गए मथुरा पहुंचने ही वाले हैं। अभी मथुरा करंट जंक्शन से आगे चली है, थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। साथ ही हमारे प्यारे 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 दोस्त लोग इतने साथ में हैं। अब बबलू भैया खूब मोबाइल चला रहे हैं, क्यों भाई? टाइम पास करना तो मोबाइल चला रहे हैं। टाइम पास करना तो मोबाइल जरूर चलाते हैं, ठीक है। और कुछ ही देर में स्टेशन से बाहर हम लोग पहुँचते हैं, करते हैं बाहर। बड़ा आनंद आया, ये देखिए स्टेशन आ गया, हम लोग फाइनली आ गए मथुरा जंक्शन पे। अब हम लोग प्लानिंग होने वाली जहाँ पर हम लोग जाने वाले। आ गए हम लोग बाहर। वाह क्या भाई, तिरंगा पास में लगा हुआ है ना। बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर, भैया सभी लोग आगे हैं। काफ़ी चित्रकारियाँ यहाँ पे हुई हैं जो कि काफ़ी सुंदर और मोहने वाला है ना। देखिए पास में दिखाते हैं। हम लोग आ गए प्रेम मंदिर में। आसपास लोग एक दूसरे को खूब होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। इतना दूर लगे साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है इन लोगों का जो रंग है। आगे एक धर्मशाला में, यहाँ पे हम लोग फ्रेश होंगे, उसके बाद मंदिर के पास हम लोग जाएंगे।
देखते हैं कितना अच्छा लगता है यहाँ पे अंदर, क्योंकि लोग ने यहाँ पे अभी होली खूब खेला, काफ़ी अच्छा भी लगा। अब पासी में ओम को भी लोग ने फेंक दिया है, चलते हैं पहले अंदर, फ्रेश होते हैं यहाँ पर। गाइज आप भी अगर पहली बार यहाँ आते हैं तो आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि मंदिर के ठीक सामने धर्मशाला, जहाँ पर 150 से लेकर 500 तक में आपको भी रूम यहाँ मिल जाएंगे, नाश्ता पानी भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से आगे नहा धो के फ्रेश होकर के अब चलते हैं अंदर। गाइज अक्सर करके यहाँ बहुत भीड़ रहता है और ये है प्रेम मंदिर का प्रवेश द्वार। वाह क्या सीन है ना, देखो इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठित हैं, क्या शानदार सीन है दोस्तों। ये है अंदर घुसने के बाद मंदिर की छटा तो बहुत ही निराली है, मजा ही आ गया प्रेम मंदिर में घुसने का। और अंदर चलते हैं, हमारे साथ आप बने रहिए, बहुत ही शानदार ब्लॉग आज का होने वाला है, पल पल का जिससे आपको देखने को मिलेगा, है ना। पूज्यपाद महाराज कृपालू जी महाराज के द्वारा 2001 से इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कि 2012 में बनकर के तैयार हुआ और यह दर्शकों के लिए पूर्णतः खोल दिया गया। इस मंदिर में आने के बाद श्रद्धालुओं के लिए कैंटीन की व्यवस्था है और इस मंदिर की खुद का एक हॉस्पिटल है। इस मंदिर का खुलने का समय भी आपको बताते हैं कि मंदिर दिन में 3 बार खुलता है, सुबह 8:30 पर आरती होती है और 11:30 पर भोग लगता है, 12 शयन आरती होकर के मंदिर का पाठ बंद हो जाता है और शाम 4:30 पर आरती का दर्शन होता है, 5:30 पर भोग लगता है, 8:10 पर शयन आरती होती है और 8:30 पर यह मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। यह मंदिर यानी कि 3 बार खुलता है और मंदिर में शाम को तो लेजर लाइट लोगों का मन आकर्षित कर देती है। ऐसे मंदिर के अंदर कैमरा फोटोग्राफी दोनों मना है, मंदिर के अंदर लाइब्रेरी है, 54 acres में फैला हुआ है, जगत गुरु कृपाल ने बनवाया इस मंदिर को, अब मंदिर के अंदर उनका खुद का हॉस्पिटल है। दिल्ली आगरा कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर छठी करा से लगभग 4.5 किलोमीटर दूरी पर वृंदावन की ओर है। मंदिर में घुसने जा रहे हैं, अभी तक तो हमने चारों तरफ घूमा, अब भैया भी आगे हैं और मेरे साथ ओम चल रहे हैं हम लोग साथ में। बहुत ही सुंदर नजारा है आज का और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये रहा अंदर से मंदिर का प्रवेश द्वार, इटालियन पत्थर से बनाया है मंदिर, 1000 शिल्पकारों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि अंदर से छटा ही बहुत ही निराली है। पूज्य प्रभुपाद द्वारा यह मंदिर बनाया गया और आज तो भक्तों की बड़ी भीड़ है, शाम को यहाँ पर लेजर लाइट जो लगी हुई है ये हर 30 सेकेंड बाद जलती हैं बुझती हैं। इस खंभों की जो नक्काशियाँ हैं, सारे मंदिर में ऊपर से नीचे नक्काशियाँ होती हैं, पर इस मंदिर में जो नक्काशियाँ की गई हैं नीचे से ऊपर तक की गई हैं। आप देख सकते हो कि कितनी शानदार मूर्तियाँ राधा कृष्ण की, और लाइटें जो लगाई गई हैं वो, और यहाँ का जो ये अंदर से देखने के बाद ये मंदिर को 2 तलों में निर्माण किया गया, नीचे से ऊपर भी आप जा कर के इन मूर्तियों पर बने हुए चित्रकारियों का दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। बाहर तो आपने देखा ही कि गोवर्धन जी की लीला, राधे 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 करते हुए अब हम पहुँच गए हैं श्री पूज्यपाद कृपालू जी महाराज जी के मंदिर पर। देखिए पद्मासन में बैठे हुए कृपालू जी महाराज के दर्शन हो गए, लाइटें तो यहाँ को बहुत ही आकर्षित करने वाली हैं और इन सीढ़ियों के रास्ते चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ, है ना। आगे हम लोग से ऊपर उधर से घुसना है, इधर से नीचे होना है ना। प्रेम मंदिर से बाहर आ गए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा ये मथुरा का यानी प्रेम मंदिर की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे प्यारे प्यारे ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ आकाश।